श्री काक भुशुंडी का नाम शायद ही आपने सुना हो, मगर इनको हिंदू धर्म में हमारे पूर्वजों ने बहुत मान सम्मान दिया है। इनको इतना सम्मान दिया जाता है कि पितरों को अर्पण करने के लिए जो भी खाना आप पकाएं, उसको आपको कौओं को भी अर्पण करना होता है, और तभी माना जाता है कि ये आपके पितरों को पहुंचा है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि श्री काक भुशुंडी को एक खास वरदान प्राप्त है। उन्हें समय के बंधन से पूरी मुक्ति है और वो कहीं भी किसी भी समय में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। मगर आप जानते हैं, असल में इस वरदान की शुरुआत एक श्राप से हुई थी। आइए आपको बताते हैं वो कथा जो कि आपको तुलसीदास के रामचरितमानस के उत्तराकांड में सबसे पहले मिलेगी। इनकी कथा कुछ यूं शुरू होती है कि कई हजारों साल पहले इनका जन्म एक शूद्र के घर हुआ। बालक अपने परिवार के साथ सुख से अयोध्या नगरी में रहता था। इस जन्म में वो बहुत बड़ा शिव भक्त था और हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहता था। मगर जैसे जैसे बालक बड़ा हुआ, वो उदंड हो गया। उसने एक गुरु से दीक्षा ली, मगर अपनी भक्ति के जोश में उसने गुरु और भगवान विष्णु दोनों का बहुत अपमान कर दिया। ऐसा करने पर भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। उन्हें गुस्से में इस तरह देखकर लड़का डर गया और विनती की और प्रार्थना करने लगा, मगर शिव थे कि सुनते ही नहीं थे। तब उसके गुरु ने उसके लिए क्षमा की प्रार्थना करी, जिसे सुनकर भगवान शिव ने अपना क्रोध कम किया और फिर उस लड़के को श्राप दिया, तू अब से अगले हजार जन्म निम्न वर्ग के जानवरों की योनि को प्राप्त होगा और आज से तू सर्प बन जाएगा। इस श्राप को सुनकर लड़का डर गया और अपने गुरु की ओर देखा। गुरु ने शिवजी से आग्रह किया कि इतना बड़ा श्राप आप इस लड़के को ना दें, ये भी तो आपका ही भक्त है। ये सुनकर शिव ने उस लड़के को कहा, देखो मेरा श्राप तो वापस नहीं हो सकता, मगर तुम्हें ये वरदान जरूर देता हूँ कि तुम्हें किसी भी योनि में दुख या पीड़ा का अनुभव नहीं होगा और अपने आखिरी जन्म में तुम ब्राह्मण बनकर राम भक्ति में लीन हो जाओगे। साथ ही तुम्हें अपने पिछले जन्मों की सारी यादें रहेंगी। इसके बाद शिव वहां से अंतर्धान हो गए और लड़का अपनी योनियों की ओर अग्रसर हो गया। आखिरकार हजार योनियों के बाद उस लड़के का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। यहाँ से उसके राम भक्त होने की यात्रा शुरू हुई। उन्होंने ऋषि लोमश को गुरु मानकर उनसे दीक्षा लेनी शुरू करी, मगर अहंकार तो अभी भी उनके अंदर था ही। उन्होंने अपने गुरु से ही तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया। ऐसे में गुस्से में आकर लोमश ऋषि ने उन्हें काक यानी कि कौवा बनने का श्राप दिया। मगर जब भगवत कृपा से उनका गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने अपने श्राप में बदलाव किया। उन्होंने काक भुशुंडी को कहा कि वो समय की सीमा से परे होंगे और किसी भी काल में बिना किसी बंधन के जा पाएंगे। ऐसे में जब एक कल्प शुरू हुआ और दूसरा खत्म हुआ और उसके बाद एक और शुरू हुआ, तो काक भुशुंडी हर समय को देखने के लिए वहां मौजूद थे। ऐसे में एक कल्प के त्रेता युग में बद्रीनाथ पर भगवान शिव माता पार्वती को आध्यात्म रामायण की कथा सुनाने लगे। कथा सुनाते समय वहां पर काक भुशुंडी भी चुपचाप एक कोने में बैठे थे। जब कथा समाप्त होने को आई तब शिवजी ने कौवे की ओर देखा और समझ गए कि ये वही लड़का है जो कि उनका परम भक्त है और अब श्री राम का बड़ा भक्त बनेगा। इस प्रकार राम भक्ति का पाठ शिवजी ने श्री काक भुशुंडी को सिखाया। शिव ने उन्हें अपने सारे जन्म और सारे समय के स्मृति का वरदान दिया। उन्हें ये वरदान मिला कि वो समय के परे होकर भी समय को देख सकेंगे और इस कारण उन्होंने रामायण को 11 और महाभारत को 16 बार अलग अलग नतीजों के साथ होते हुए देखा। आज भी यही माना जाता है कि हर बार जब त्रेता युग आता है और राम धरती पर जन्म लेते हैं तो काक भुशुंडी अयोध्या की ओर उड़ जाते हैं ताकि वो राम के बालपन की प्यारी छवि को देख सकें। आज भी ये बद्रीनाथ में निवास करते हैं और हर कल्प को आते जाते देखते हैं। इनकी राम भक्ति आज भी भक्तों के मन में बसी हुई है और ये हिंदू धर्म के एक चिरंजीवी माने जाते हैं, जो कि हर काल को अपनी आंखों के आगे चलता हुआ देखते हैं और उसकी सीख को देखते हैं। तो ये थी आपके लिए काक भुशुंडी की कथा। कैसी लगी आपको ये हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और ऐसी और वीडियोज के लिए देखते रहिए थर्मा लाइफ।